नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र की। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रकृति के उन गूढ़ सिद्धांतों को, उन गूढ़ रहस्यों को जो व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित सूचनाएं हमें देते हैं, जिनसे किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान, भविष्य, उसकी जीवन की दिशा और दशा के बारे में पता चलता है। तो इस समय हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 की, जिसका प्रधान ग्रह है शनि, और ये इस ग्रह के वीडियो का तीसरा भाग है। इससे पहले इसके दो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस मूलांक के व्यक्तियों से संबंधित जीवन, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन की धारा को समझने के लिए वो दोनों वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ऐसे लोगों को किन फील्ड में ज़्यादा सफलताएँ मिलती हैं, किस फील्ड में ये बहुत बेहतर करते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो मूलांक 8 जिसका प्रधान ग्रह है शनि, यदि आपने ये वीडियोस पहले नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि मूलांक 8 उन व्यक्तियों का होता है जिन्होंने किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लिया हो। महीने की 8 तारीख में मूलांक 8 ही है, 17 में 7 और 1 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, 26 में 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। यहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो महीना अप्रैल है, सितंबर है, अक्टूबर है या जन्म किस साल हुआ है। बात यहाँ पर केवल है जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस दिन आप अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वो वास्तविक होनी चाहिए। मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है या वोटर आईडी में क्या लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 8, 17 और 26 किसी भी महीने की इन तारीखों को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है और इनका प्रधान ग्रह शनि होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में हमें बताइएगा। पिछले वीडियोस आपको कैसे लगे, अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और 8 मूलांक वाले व्यक्ति, ये चूंकि आपके जीवन और व्यक्तित्व से संबंधित बात है, इसको ध्यान से देखें। यदि आपके दायरे में कोई है तो उनके व्यक्तित्व में देखें ये चीज़ें हैं या अथवा नहीं हैं। तो ये जो 8 मूलांक का ग्रह है, प्रधान ग्रह है शनि, जिसके दो वीडियो हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं कि शनि वाले एक लाइन में बात की जाए तो बहुत अधिक अंतर्मुखी होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, अपने लक्ष्य को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करने वाले होते हैं, समाज से थोड़े दूर होते हैं, भावना से थोड़े हीन होते हैं। इस तरह की बातें हम पिछले दो वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं। अब उससे आगे हम बात करते हैं 8 मूलांक वाले व्यक्तियों के कैरियर की, कि किस क्षेत्र में इन लोगों को असाधारण सफलताएँ प्राप्त होती हैं, इनके जीवन की मूलधारा इन्हें किस क्षेत्र को सपोर्ट करती है, यानी कि उस क्षेत्र को यदि ये कैरियर के रूप में चुनते हैं तो ये अपनी धारा के अनुकूल तैरते हैं, और यदि उससे हट करके हम यदि अपने मूल ग्रह से अपना कैरियर चुनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी नदी की बहुत प्रचंड धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम बहुत अधिक आगे तक नहीं जा सकते। जबकि हम उस धारा के अनुकूल तैरते हैं तो बहुत कम प्रयासों में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो कैरियर की जब हम इनकी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है पहला जो कैरियर है राजनीति का, प्रशासन का और धर्म का, ये इनका कैरियर का फील्ड होता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो सारे ग्रहों की फेवरेट होती है, लेकिन उसके कारण अलग अलग होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये ज़रूर है, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल टारगेट को सेट करके ही जीवन में चलते हैं, एम्बिशस भी काफ़ी होते हैं। तो शनि यदि आपका अच्छा होता है, यदि आप शनि प्रधान हैं अथवा आपकी कुंडली में शनि अच्छी जगह पर है, अच्छी डिग्री का है, तो ये डेफिनेट है कि शनि आपको उच्चतम पर ले जाता है। राजनीति में, प्रशासन में, धर्म में आप उच्च पद को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि उच्चतम तक आपको ले जाएगा। तो शनि या तो उच्चतम पे ले जाता है या निम्नतम पे ले जाता है। तो यदि ये अच्छा है तो राजनीति में, प्रशासन में आपको टॉपेस्ट पॉइंट पर ले जाएगा। धर्म के मामले में इतना ज़रूर है कि शनि जो है ये थोड़ा सा भक्ति की ओर, ध्यान की ओर, ज्ञान की ओर, आध्यात्म की ओर व्यक्ति को कम ले जाता है, घोर तंत्र की ओर उसको ज़्यादा ले जाता है, घोर तांत्रिक उसको बनाता है। तो पहला फील्ड ये हो गया, तीन चीज़ें ये हो गई। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है टीचिंग, यदि शनि जो है इसके साथ में बौद्धिक हाथ आपका होता है, ज्ञान की रेखा होती है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में यदि ये बात करते हैं तो गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, रसायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, यदि हम आर्ट्स की बात करें तो इतिहास
जो है ये इनका फेवरेट होता है, राजनीति इनकी फेवरेट होती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये इनका फेवरेट होता है। और यकीन मानिए सम्मानी प्रधान व्यक्तियों ने इस पूरे दुनिया के मानचित्र में जितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं उतना शायद ही किसी दूसरे ग्रह ने निभाई हो, क्योंकि ये जहां ले जाएगा तो बिल्कुल ही टॉप पॉइंट पर ले जाता है। तो टीचिंग के क्षेत्र में ये होते हैं। इसके साथ में गुप्त विद्या, धर्म का जब मैंने बात की तो ये तंत्र की ओर ले जाता है, तो गुप्त विद्याओं में या उससे संबंधित जानकारी में, आप उसको जादू कह लें, ब्लैक मैजिक कह लें, इस तरह की चीज़ों में इन लोगों की बहुत अधिक रुचि होती है और ये काफ़ी सफल भी होते हैं। इनके द्वार पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है जो ये सब कराने के लिए आते हैं कि वो तंत्र कराना है, मंत्र कराना है, उसको वशीकरण करना है, उसका उच्चाटन करना है। तो ये जो सास बहू के चक्कर चलते रहते हैं या किसी को गड़ा हुआ धन प्राप्त करना, तो इस सारी चीज़ों में बड़े भारी एक्टिव देखे जाते हैं। व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार में लोहा है, सीमेंट है, लोहे का व्यापार, ये सीमेंट का व्यापार है, तेल का व्यापार है, लेदर का व्यापार है, इस क्षेत्र में ये काफ़ी सफल देखे जाते हैं। शनि प्रधान व्यक्तियों को ये व्यापार सूट करते हैं, शनि प्रधान व्यक्तियों को इस तरह के व्यापार करने चाहिए। लोहा जो है ये शनि का ही कारक माना गया है और तेल जो है ये शनिदेव को चढ़ता ही है, और इसी से जुड़ी चीज़ आ जाती है रेलवे या इंजीनियरिंग, क्योंकि मैथ्स में केमिस्ट्री में तो इनकी काफ़ी रुचि पाई जाती है। रेलवे की हम बात करते हैं तो ये भी प्रायः पूरा लोहे लंगड़ से संबंधित चीजें ही होती हैं। ट्रेनें जो हैं ये फाइबर की या प्लास्टिक वगैरह की बनती नहीं है, ना रेलवे ट्रैक ऐसे बनते हैं, तो ये ज्यादातर जो चीजें हैं कंक्रीट है, सीमेंट है, लोहा है, इन सब से संबंधित है। इंजीनियरिंग की भी जब हम बात करते हैं तो इंजीनियर्स भी जो होते हैं जो पुल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इनको भी प्राय इन्हीं से संबंधित चीजों से ये संबंधित होते हैं। तो इनमें शनि जो है ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। यदि रोग की बात की जाए, अगली बात, शनि प्रधान व्यक्तियों को रोग किस प्रकार के होते हैं। अब देखिए रोग की बात है, यदि शनि आपका बहुत बिगड़ जाता है, बहुत उग्र हो जाता है, तो एक तो ये टांगों से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा करता है, और उसमें भी टांग हो गया आपका, और इसके बाद में आपका कान हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें हैं कि हड्डियों को मोड़ देना है, व्यक्ति को कुरूप बना देना है, विद्रूप बना देना है, लूला, लंगड़ा, काना, कुबड़ा या कोढ़ जैसी बीमारियां हैं, तो ये सब शनि से टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति को कर देना, एक कुल मिलाकर के बात इतनी है, या कोढ़ जैसी घातक बीमारियां वगैरह जो होती हैं ये सब शनि से संबंधित की जाती हैं। और इसके बाद में यदि हम मानसिक की बात करें, ये तो चलो शारीरिक बीमारी हो गई, मानसिक की बात करें तो शनि का संबंध काले रंग से है, मन में एक गहरा अंधेरा कर देना, काला रंग भर जाना, अवसाद भर जाना, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ये शनि देता है। अब मजे की बात यह है कि ये दूसरे ग्रह भी दे सकते हैं, मंगल भी आपको दे सकता है, सूर्य भी दे सकता है, लेकिन वो जो देते हैं वो परिस्थिति जन्य होता है कि सूर्य प्रधान व्यक्ति है, वो बहुत प्रतिष्ठावान है, उसकी प्रतिष्ठा में आघात लग गया तो वो एकदम से डिप्रेशन में चला गया, ये तो वो सब परिस्थिति जन्य है। लेकिन शनि प्रधान व्यक्ति को ये चीज़ें कोई देता नहीं है, वो अपने आप में खुद ही ऐसा एटमोस्फियर कर लेता है, वो खुद ही इन चीज़ों को क्रिएट कर लेता है। समाज से बिल्कुल कटा हुआ रहेगा, परिवार से बिल्कुल कटा रहेगा, बिल्कुल अकेले रहेगा, अपना दर्द किसी से नहीं कहेगा, अपनी खुशी किसी से नहीं कहेगा, तो वो अपने अंदर खुद ही एक ऐसी दीवार बना लेता है, एक ऐसा अंधेरा धीरे 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 भरता जाता है कि वो बहुत गहरे डिप्रेशन में भी व्यक्ति के जाने की संभावना होती है। जैसे कि कछुआ जो होता है, कछुआ वो अपने खोल के अंदर ही अपने आप को पूरी तरह समेट कर पड़ा रहता है, इतनी सख्त खोल अपने चारों ओर वो बना लेता है कि उस खोल के अंदर कोई आ ही नहीं सकता। तो शनि प्रधान व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका एटीट्यूड होता है, वो इस प्रकार का होता है, तो ये अवसाद खुद ही बना लेते हैं अपने अंदर, इनको बाहर से कोई देने की ज़रूरत नहीं होती, और फिर ये भाग्य के हाथ की कठपुतली भी होते हैं, तो जीवन भी जो है इनका ट्रेजडीज से भरा होता है। तो इस तरह की चीज़ें शनि में मानी गई हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं। अब ये बात आती है कि फिर इसका उपाय क्या है, तो शनि से संबंधित जो उपाय हैं, ये एक तो शनि देव की महिमा इतनी है कि सारी दुनिया वैसे ही जानती है, शनिवार को हर गली में कमंडल लिए लोग वो तेल लेकर के घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें जो सिक्का डाला जाता है वो डाला जाता है। शनिवार को शनि के मंदिर में यदि आसपास कहीं हो तो 2 मिनट के लिए चले जाना चाहिए, वहाँ पूजा वगैरह जो होती है वो कर ली जाती है। और इसके साथ में शनि से संबंधित जो दान है, वो चूंकि शनि का रंग काला माना गया है, इसको पूरा ब्लैक से मन में अंधेरा है, रंग काला है, कालिमा लिए हुए है, तो शनि से संबंधित दान जो है वो काली वस्तुओं के ही किए जाते हैं ज्यादातर। जैसे कि शनि के लिए काले कपड़े का दान किया जाता है, कंबल का दान किया जाता है, काली उड़द का दान हो जाता है, तिल का दान हो जाता है, और इसके बाद में तेल,
शनि देव को तेल चढ़ता है, तो तेल का दान इसमें काफी शुभ माना जाता है। शनि देव को दूध नहीं चढ़ता है, दूध देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, तो शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, इस तरह की चीजों का दान किया जाता है। और यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका मूल ग्रह शनि है या कुंडली में पहले दिखाई लेंगे कि यार शनि बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है तो हमको करना है। ये इतनी छोटी सी चीज है कि यदि कोई आपके दरवाजे पे शनि पे आता है तो उसमें एक का सिक्का डाल देने में कोई बुरा नहीं हो जाता है, या कोई आपने एक पाव दाल किसी को दान कर दिया, तिल कर दिया तो शनिवार को, तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो रूटीन तौर पे कर ही लेना चाहिए, चाहे कोई भी ग्रह हो से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे उसकी कुंडली में कुछ भी हो, वो अच्छा ही परिणाम देते हैं, तो ये तो एक सामान्य तौर पर किया जाता है। दूसरी चीज, यदि जब शनि बिगड़ा होता है या शनि के अच्छे परिणाम चाहिए होते हैं व्यक्ति को, जो राजनीति में, प्रशासन में, धर्म में बहुत उच्चतम तक जाने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए जो रत्न धारण किया जाता है वो रत्न है नीलम। अब नीलम के साथ में भी ये दिक्कत आ जाती है, वही जो शनि के साथ में दिक्कत आ जाती है कि नीलम धारण करना भी जो है ये बहुत घातक भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि नीलम हर किसी को सूट करता भी नहीं है। तो नीलम का ऐसा नहीं है कि, वैसे तो हर रत्न कुंडली के हिसाब से पहना जाता है, लेकिन नीलम का ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मन से पहन ले कि नहीं मेरा तो शनि है तो चलो मैं नीलम पहन लेता हूँ, क्योंकि ये रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये किसी की सलाह पर ही अच्छे ज्योतिषी की पहनना चाहिए। और ये होता बात ऐसा है कि जैसे इंजेक्शन होता है, तो इंजेक्शन आप डॉक्टर्स के पास जाएं, कुछ इंजेक्शन तो बिल्कुल सीधे होते हैं, लगा दिए जाते हैं, भाई टिटनेस का है, इसका है, वायरल का है, लेकिन कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हैं वो लगाने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। वो मरीज को बैठा करके पहले बिल्कुल हल्की सी मात्रा में उसको लगा कर देखेंगे, 15 मिनट बैठाएंगे, फिर पूछ लेंगे भाई चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है, स्किन में कोई फोड़े वोड़े टाइप के तो नहीं निकल रहे हैं, घबराहट तो नहीं हो रही है। 15-20 मिनट जब वो कहेगा नहीं नहीं सर कुछ नहीं है, ओके है, तो फिर वो पूरा का पूरा ठूस दिया जाता है। तो नीलम के साथ में ये दिक्कत है कि नीलम सीधे सीधे नहीं पहना जाता है, किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह पर ही शनि का ये उपाय किया जाता है। हाँ, इसके लिए फिर ये जरूर कर दिया गया कि शनि से संबंधित नीलम के कुछ उपरत्न होते हैं वो धारण करा दिए जाते हैं, जिनमें ऐसी नेगेटिविटी नहीं होती है। तो ये नीलम धारण किया जाता है, और कब धारण किया जाता है, तो जाहिर सी बात है शनि से संबंधित है तो शनि देव का जो वार है वो शनिवार है, तो ये शनिवार को धारण किया जाता है। किस उंगली में धारण किया जाता है, तो जाहिर सी बात है शनि की जो है ये मध्यमा उंगली है, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान में, ये पिछले वीडियो में भी कहा, शनि देव जो है ये मध्यमा उंगली के ठीक नीचे इस जगह पर विराजते हैं, इसको हम शनि पर्वत कहते हैं, यानी ये हमारी मध्यमा उंगली, और ये जो पर्वत आता है ये पर्वत शनि का आता है, तो शनि देव से संबंधित जो रत्न है वो भी मध्यमा उंगली में ही धारण किया जाएगा। किस धातु में किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जब हम लोहा और तेल यही देख रहे हैं कि शनि से संबंधित मुख्य धातु है, तो इसको लोहे में धारण किया जाता है, या इसको शीशे की अंगूठी में भी धारण कर लिया जाता है। तो ये थी शनि से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो जाननी चाहिए। शनि का दान तो वैसे भी कर दीजिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात होती नहीं है, और शनि खराब होता है तो व्यक्ति को जीवन में घोर असफलताओं और पीड़ाओं से गुजारता है, बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित, आपके करियर से संबंधित, तो उस बारे में फिर किसी को कोई अच्छी सलाह किसी से ले करके उससे संबंधित रत्न वगैरह जरूर धारण कर लेने चाहिए। और ये वीडियो फिर आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शनि और राहु केतु की जब बात चली रही थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत कंफ्यूज करने वाली और है, इसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत ही भयानक और डरावना सा नाम ज्योतिष की दुनिया में और लोगों के दिमाग में घूमता है, उसके बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत जरूरी हैं। काल सर्प दोष और महामृत्युंजय मंत्र का जाप, यानी 35-40 हजार का सीधा सीधा चूना, तो ये काल सर्प दोष क्या है, कहां से आया है, प्राचीन काल में था या नहीं, अब है, इसकी एक्चुअल स्थिति क्या होती है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे, क्योंकि इस मामले में लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है और बेवजह हो जाता है। आजकल के जो ज्योतिष हैं या पंडित हैं जिनका ये बिजनेस ही होता है, इन लोगों ने धन कमाने का ज्योतिष में आज ये जितना बढ़िया जरिया बन गया है कि काल सर्प दोष किसी का थोड़ा सा दिख गया या निकल गया, मतलब 40 हजार का चूना, 35 हजार की पूजा, ये तो कहीं भी नहीं गई है। तो इस पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना काफी जरूरी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत नमस्कार।